देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम आर। अच्छा हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो आर वन क्या है, आर वन है एक्स कोमा वाई वेयर एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, मतलब एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो इन केस में एक्स फीमेल रहेगा और वाई मेल रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो एक बात बताओ, कभी भी एक्स कोमा एक्स आर पे आर वन पे बिलोंग कर पाएगा क्या? तो बताओ कभी भी ऐसा होगा कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स, लाइक ये ऐसे ये साउंड करने में कि राहुल इज अ वाइफ ऑफ राहुल, तो कभी ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इट इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन, ठीक है, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। और हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में अगर ऐसा मान लें कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर वन, ठीक है, तो एयर मतलब कि एक्स बिकम्स अ फीमेल एंड वाई बिकम्स अ मेल। तो अगर वाई मेल है तो कभी ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मतलब कि ये आगे वाली पोजीशन एक्वायर करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो किसी की वाइफ बनेगा, मतलब वाई वाई विल बिकम अ वाइफ ऑफ समवन, ठीक है। तो अगर वाई मेल है तो ही कैन नॉट ही कांट बिकम वाइफ ऑफ एनी वन, दिस इज ऑब्वियस, ठीक है। तो ये कभी इसका मतलब कि एक्स कॉमा वाई कभी भी आर वन पे बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कर देखते हैं, अगर ट्रांजिटिव में क्या होगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर वन, ठीक है, तो अगर एक्स कॉमा वाई आर वन को बिलोंग करता है तो जहाँ पे लाइक एक्स हमको यहाँ पे पता है कि एक्स फीमेल है और वाई मेल है, तो हम ट्रांजिटिव तभी स्टडी कर पाएंगे जबकि वाई किसी चीज में फ्रंट में आ जाए, लेकिन वाई तो एक मेल है ना, और यहाँ पे किस चीज की पोजीशन है, फीमेल की पोजीशन है, तो कभी भी वाई यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि वाई जब भी यहाँ पे आएगा, जैसा ऑब्वियस पहले ऊपर बताया था कि वाई मतलब अगर वाई यहाँ पे आया तो वाई को किसी की वाइफ बनना पड़ेगा और वो तो मेल है, तो ही इज ऑब्वियस ही कांट बिकम अ वाइफ फॉर एनी वन, ठीक है। तो जिस मतलब कि यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं है, अगर इसका पेयर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव कभी मतलब कि हम ये शो नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका सिर्फ एक्स कॉमा वाई प्रेजेंट रहेगा, इसका कोई और दूसरा पेयर नहीं रह पाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।